नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शोमी कंपनी ने अपनी रेडमी 9 सीरीज के रेडमी 9 स्मार्टफोन को कुछ दिन पहले ही इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। दोस्तों, यह स्मार्टफोन एक बढ़िया और अच्छा स्मार्टफोन है। इसके अंदर आपको बढ़िया और अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं और कंपनी का यह एक बढ़िया अच्छा लो प्राइस का स्मार्टफोन है। लेकिन दोस्तों, अब इसी स्मार्टफोन को कड़ी टक्कर देने के लिए टेक्नो कंपनी भी अपने नए स्मार्टफोन टेक्नो स्पार्क पावर 2 को लेकर आ गई है, जो कि दोस्तों मार्केट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको बड़े और अच्छे फीचर्स तो देखने को मिलते ही हैं, इसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन का लुक और इसका डिजाइन भी बढ़िया है। और दोस्तों, इंडियन मार्केट में यह स्मार्टफोन आपको लगभग 10,000 रुपए तक की कीमत में देखने को मिलता है। और दोस्तों, रेडमी 9 स्मार्टफोन भी आपको लगभग इतनी ही कीमत में मार्केट में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब ऐसे में आपके सामने यह सवाल आता है कि आपके लिए इनमें से कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा और आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टेक्नो स्पार्क पावर 2 और रेडमी 9 स्मार्टफोन को कंपेयर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी एक बढ़िया अच्छा स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना आप। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के लुक और इनके डिजाइन के बारे में। दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप और वाटर प्रूफ नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर इनके फीचर्स की बात की जाए तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेडमी 9 स्मार्टफोन के अंदर आपको कमरे ने 6.53 इंच की फुल HD वाटर प्रूफ नॉच डिस्प्ले दी है, जो की 1024x2340 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ है। और इसका एस्पेक्ट रेशियो 19:9 है और इसकी कॉर्निंग के ऊपर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। जबकि दोस्तों, बात की जाए टेक्नो स्पार्क पावर 2 की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 7 इंच की फुल HD वाटर प्रूफ नॉच डिस्प्ले दी है, जो की 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ है और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। तो दोस्तों, अगर इन दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात की जाए तो दोस्तों, डिस्प्ले के मामले में टेक्नो स्पार्क पावर 2 स्मार्टफोन आगे है। इसके अंदर आपको बड़ी और अच्छी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और क्वालिटी के मामले में दोस्तों यह स्मार्टफोन बढ़िया है। तो दोस्तों, यदि आप पबजी वगैरह के लिए बड़ी स्क्रीन का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। और दोस्तों, अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की, तो दोस्तों रेडमी 9 स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको कंपनी ने 13 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया है। जबकि दोस्तों, बात की जाए टेक्नो स्पार्क पावर 2, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको कंपनी ने 16 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 16 ही मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया है। दोस्तों, कैमरा के मामले में भी टेक्नो स्पार्क पावर 2 स्मार्टफोन आगे है। इसके अंदर आपको बढ़िया अच्छा सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है और दोस्तों, इसके अंदर आपको रियर कैमरा भी बढ़िया देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, मुझे इस स्मार्टफोन का कैमरा सेट बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि दोस्तों स्मार्टफोन का कैमरा डिजाइन बहुत ही बढ़िया है। और दोस्तों, अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन के वेरियंट्स की, तो दोस्तों मार्केट में रेडमी 9 स्मार्टफोन आपको 3 GB और 4 GB रैम के साथ देखने को मिलता है, जिसके साथ आपको 32 GB और 64 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। जबकि दोस्तों, बात की जाए टेक्नो स्पार्क पावर 2 स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को कंपनी ने मार्केट में 4 GB रैम के साथ लॉन्च किया है, जिसके साथ आपको 64 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, टेक्नो स्पार्क पावर 2 स्मार्टफोन के अंदर आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए रेडमी 9 स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ मीडियाटेक हीलियो G80 का चिपसेट दिया है और यह मोबाइल एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया गया है। और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको माली G52 का GPU देखने को मिलेगा। जबकि दोस्तों, टेक्नो स्पार्क पावर 2 स्मार्टफोन की बात की जाए, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ मीडियाटेक हीलियो P22 का चिपसेट दिया है और यह मोबाइल एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, अगर इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के डिफरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों प्रोसेसर के मामले में रेडमी 9 स्मार्टफोन आगे है। इसके अंदर आपको दोस्तों मीडियाटेक का बढ़िया और अच्छा लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको बढ़िया और अच्छा परफॉर्मेंस देगा। बैटरी की बात की जाए, तो दोस्तों रेडमी 9 स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 18 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5020 mAh की बढ़िया और अच्छी पावरफुल बैटरी दी है। जबकि दोस्तों, टेक्नो स्पार्क पावर 2 स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 18 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 6000 mAh की बड़ी और अच्छी पावरफुल बैटरी दी है। तो दोस्तों, बैटरी के मामले में भी टेक्नो स्पार्क पावर 2 स्मार्टफोन आगे है। इसके अंदर आपको बढ़िया और अच्छी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि आपको लॉन्ग पावर बैकअप देगी। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, अगर टेक्नो स्पार्क पावर 2 स्मार्टफोन के प्रोसेसर को हटा दिया जाए, तो दोस्तों बाकी दूसरे सभी फीचर्स के मामले में यह स्मार्टफोन रेडमी 9 स्मार्टफोन से कई गुना ज्यादा बेहतर है। इसके अंदर आपको बड़े अच्छे फीचर्स मिलते हैं और इसका लुक और इसका डिजाइन भी बढ़िया है। बाकी दोस्तों, आपको यह स्मार्टफोन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।